चले आगे बढ़ते हैं, बात रायपुर की करते हैं, जहां राजधानी रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। अरविंद नेताम का कांग्रेस से इस्तीफा सामने आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता है अरविंद नेताम। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद नेताम आदिवासी चेहरा माने जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता, अटकलें लगाई जा रही थी कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता अंकुश जुड़ गए। अंकुश कहां पर मौजूद है और कौन आपके साथ है फिलहाल, बातचीत करिए जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे अरविंद नेताम जी और दो बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अरविंद नेताम जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, आखिर क्या नाराजगी रही कि इतने लंबे समय बाद अब इस्तीफा दे दिया आपने? कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं, नाराजगी सैद्धांतिक होता है राजनीति में, और हमने 50 साल की राजनीति में वो कांग्रेस पार्टी का सरकारें भी देखी हैं, राज्य की और केंद्र की, और आज की सरकार भी देख रहे हैं। आज की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में कथनी और कर्मी बहुत फर्क है। जितने भी कानून हमारे समय में बने हैं आदिवासियों की हित की रक्षा के लिए, उसके ठीक विपरीत काम हो रहा है। पेशा कानून में अधिकार था समाज को कि जल जंगल जमीन में सरकार बिना अनुमति के, समाज की अनुमति के सरकार भी कुछ नहीं कर सकती थी। ये बहुत बड़ा अधिकार हम लोगों ने पेशा कानून बनवाया था, जो अपने आप अद्भुत कानून है, उसको खत्म कर दिया। उस अधिकार को हम जानना चाहते हैं, सरगुजा में क्या हो रहा है, हरदेव कोल फील्ड में 5 साल से आंदोलन हो रहा है, पेशा कानून के विपरीत सब काम हो रहा है। बस्तर में आंदोलन हो रहे हैं 20-25 जगह में, अबूझमाड़ में आंदोलन हो रहे हैं, तो ये सब जगह आंदोलन हो रहे हैं। 3-4 जुडिशियल इंक्वायरी कंप्लीट हो गया, जजों ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? हमारे लोग मारे गए पुलिस की गोली से, हम जानना चाहते हैं, समाज जानना कि कारण क्या था, क्यों नहीं हुआ सार्वजनिक करते? रिजर्वेशन के मामले में आज तक नई राज्य बनने के बाद आदिवासी समाज को संविधान के हिसाब से जो रिजर्वेशन मिली नहीं, जो आखिरी था मध्य प्रदेश में मिली, इस राज्य में जो अधिकार था 32% आज तक नहीं मिला, उलझा के रख दिए। जिस तरीके से सर आप कह रहे हैं कि आज तक आदिवासियों को अधिकार नहीं मिला, लंबे समय तक बीजेपी की गवर्नमेंट रही है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, मतलब दोनों सरकारों में आदिवासियों को उनका हक नहीं मिला, तो अब आने वाले समय में आगे की क्या तैयारी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आपकी नाराजगी काफी लंबे समय से देखी गई है, लेकिन ठीक चुनाव के पहले इस्तीफा, ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे। देखिए, आप एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, समाज ने क्यों फैसला किया कि हम चुनावी राजनीति में उतरे? एक साल पहले चिंतन हुई है समाज में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी है फैसला वो हो गया कि चुनावी राजनीति। उस सरकार, पिछली सरकार में भी, आज की सरकार में भी 23 सूत्री मांग, आज तक एक मांग समाज की, सर्वआदिवासी समाज, एक भी मांग पूरी नहीं हुई। प्रजातंत्र में ऐसा होगा क्या? इसलिए नहीं हुई है, ये भी मैं बता दूं कि दोनों पार्टी जानते थे कि जितना आंदोलन का करो साला वोट देने तो कांग्रेस या बीजेपी को दोगे, और किसको दोगे इस प्रदेश में? इसलिए तीसरा विकल्प तैयार किया है सर, इसीलिए समाज ने सोचा जब हमारी सुनवाई नहीं हो सकती, सुनवाई नहीं होगी तो हम उसका तीसरा विकल्प देखेंगे। समाज को पहली बार राजनीति मंच में उतार रहे हैं, समाज को, और सामाजिक मुद्दों को लेकर उतार रहे हैं, ये फर्क है। राजनीतिक लड़ाई, पार्टी की लड़ाई, हमारी लड़ाई में ही फर्क है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं अरविंद नेताम जी के? 30 रिजर्व सीट है और 20 जो जनरल सीट है, उसमें भी जहां हमारी समाज की साइजेबल वोट है वहां लड़ेंगे, और दूसरे समाज को भी आमंत्रित कर रहे हैं, आओ भैया हमारे, हम ट्रांसफर करेंगे हमारी वोट को समाज के, और आप उसमें भी सहयोग करो, हम मिल के लड़ेंगे, और छोटे पार्टियों से भी एडजस्ट कर रहे हैं। आपने जैसे जिस तरीके से कहा छोटे पार्टियों से एडजस्ट करेंगे, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में मैदान में है, जो कि कांग्रेस पहले से विकल्प है आप लोगों के सामने, इनका भी सहयोग लेंगे या आप सभी सहयोग करेंगे? छोटे पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी, छोटे पार्टी है वो, तो 90 सीट में तो जगह कहाँ है बार्गेनिंग की, अब चर्चा की,
वो तो फिर ऑल इंडिया पार्टी है, 90 सीट में घोषणा ही कर दी, हो गया। जोगी कांग्रेस बसपा, जोगी कांग्रेस से हमारा कोई ज्यादा संबंध नहीं है, बसपा से बात हो रही है, बसपा से हो जाएगा बातचीत चालू है। जिस तरीके से आपने कहा 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बहुमत से आधा हिस्सा होता है 50 सीटें, 90 विधानसभा सीटों के लिए, तो क्या सरकार बनाने की तैयारी में नहीं है सिर्फ अपना अधिकार के लिए केवल 30 सीटों को प्रभावित करना या 50 सीटों को प्रभावित करना? देखिए, मैं इस चुनाव में आपको बड़ा चमत्कारिक नतीजे नजर आएंगे, और वो क्या हो सकता है नहीं हो सकता है हम कोई भविष्यवाणी कर नहीं सकते, और हमारा कोई लक्ष्य नहीं कि हम सरकार बनाए, पर जीतेंगे कुछ, ताकि विधानसभा में अपनी बात को रखा जा, समाज की समस्या को, क्योंकि आज न कांग्रेस रखती न बीजेपी रखती, अब कांग्रेस ने तो जितने विधायक हैं सबके मुंह में ताला लगा दिया, तुम बोलोगे कुछ नहीं। आपने इस्तीफा